हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड टुडे जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आज की जो हमारी रेगुलर लाइफ है, रिसेंट जो सिनेरियो है, उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आप ये बताइए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, तो क्या आपने सोचा है कि ये जो न्यू स्टार्टअप्स है जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, जैसे कि ओयो, ओला, फॉर्मेसी, इनमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में, जो अभी भी मार्केट में लिस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं अपनी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू, और हम जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स भी इनमें इन्वेस्ट करके एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ। डू यू नो गाइज दैट इंडिया हैज 70K+ अनलिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, बट ओनली 6K+ लिस्टेड कंपनीज। सो द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड शेयर इज ह्यूज। तो अगर आप कोई अनलिस्टेड शेयर्स बाई करते हो तो आपकी डीमैट अकाउंट पे क्रेडिट होते हैं। एकदम सिमिलर प्रोसेस है जैसा कि आप कोई भी कंपनी पे स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। साउंड एक्साइटिंग राइट? तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाली हूँ। सो unlistedassets.com इज इंडियाज फर्स्ट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंटली बाइंग और सेलिंग अनलिस्टेड शेयर्स। सो टू यूज दिस प्लेटफॉर्म यू कैन बाई और सेल अनलिस्टेड शेयर्स, और यू कैन रीड अबाउट अनलिस्टेड कंपनीज एंड ऑल्सो चेक प्राइजेस जस्ट लाइक मनी कंट्रोल। सो unlistedassets.com इज 100% सिक्योर विद ICICI बैंक एज सेवी रजिस्टर्ड ट्रस्टीज एंड रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया। तो अनलिस्टेड शेयर्स खरीदने के लिए आपको जाना है unlistedassets.com पे, जो ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ओपन किया करके रखा है मैंने। सो आपको जाना है unlistedassets.com पे। वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले लॉग इन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि आपको मैं साइन इन करूंगी। तो इसमें जो भी नंबर से आपने लॉग इन कर रखा है, उस नंबर और पासवर्ड आपको रखना है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने ओपन हो जाएगा एक ऐसी विंडो जिसके अंदर आप देख सकते हो टोटल 5 फीचर्स है, जिसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में आप देख सकते हो सारी ही यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाने वाली है अनलिस्टेड कंपनीज़ की, जो है, जो डायरेक्टली कंपनी भी ओन करते हैं, कभी कभी पीयर सेलिंग की थ्रू भी ये यहाँ पे सेल हो सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज ऑल कंपनीज। तो ऑल कंपनीज पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे टोटल जितनी भी सारी कंपनीज इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं आपको दिखाई देगा। तो टोटल 219 कंपनीज जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ओपन हो जाएगा सारी कंपनीज जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो ऑल कंपनीज में जितनी भी सारी यहाँ पे आपको अनलिस्टेड कंपनीज दिख रहे हैं, उनमें से आप किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ओयो, उसको अगर हम सिलेक्ट करके विश लिस्ट कर लेंगे ना, तो आपको सारी ही जो जानकारी है, लाइक जो नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम ओयो पे क्लिक करेंगे, आप सिर्फ इसकी शेयर्स नहीं, आप इस कंपनी के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पे उसकी आप देख सकते हो वेबसाइट का लिंक जो है वो है, जैसा कि आप देख रहे हो ओयो के बारे में सारी जानकारी, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा कि वो कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे वहाँ पे इन्वेस्ट कौन कर रहा है, जो रिस्क्स होते हैं वो सब भी, की रिस्क्स भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो वो सब कुछ आप यहाँ से रीड कर सकते हो, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो, जस्ट लाइक मनी कंट्रोल। उसके बाद आ जाते हैं जो थर्ड टैब है यहाँ पे, थर्ड पी है सेल्स स्टॉक्स। तो इसमें जो है ना, जो भी यहाँ पे KYC वेरीफाइड यूजर्स है उनको यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिखाया जाएगा। मेरी जो लाइक अकाउंट है वो अभी भी KYC वेरीफाइड नहीं हुए हैं, तो इसमें मुझे कुछ दिखाएगा नहीं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगी कि कैसे आपकी जो लाइक अकाउंट है वो वेरीफाइड हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में मूव कर। सो देन नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें है ट्रांजैक्शंस। उसमें मेरा न्यू अकाउंट है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, जैसे ही आप अगर यूज करते हो तो आप कोई भी लाइक कोई भी एसेट्स या कोई भी शेयर्स यहाँ पे आप खरीद रहे हो, तो उसकी जो आप पेमेंट कर रहे हो तो उसकी सारी डिटेल्स, या कुछ आपने कैंसिल किया है तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 टैब्स है, एक में है ऑल ट्रांजेक्शन, उसके बाद है कैंसल्ड एंड लाइक कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन, एंड उसके बाद है प्रोग्रेसिव ट्रांजेक्शन। तो जब भी आप यहाँ पे कोई भी पेमेंट करोगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में वापस आके आप देख सकते हो, वो प्रोग्रेसिंग टैब में दिखाएगा। तो इस तरीके से है। लास्ट टैग में आते हैं, जो लास्ट टैब है वो है सर्विसेज। तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास कोई भी अनलिस्टेड शेयर्स है तो उसके लिए आप जो है लोन ले सकते हैं। अब आप देख सकते हो लोन एंड लिक्विडिटी अगेंस्ट शेयर्स है, तो वो आप लोन, आपके पास अगर कोई भी शेयर आपने खरीद के रखा है तो उसकी रिगार्डिंग आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
देन दूसरा जो सर्विस आपको यहाँ पे मिलेगा वो है, अगर आप बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टर्स है तो आप यहाँ पे वैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपके पास जो भी सारे शेयर्स है, जो भी कुछ है उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी, सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। एंड जो थर्ड सर्विस यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड होती है वो है बाई और लाइक सेल। लाइक आप अगर कोई भी ब्रोकर है आपके पास, तो ब्रोकर के थ्रू अगर आपके पास जो भी शेयर है उसको सेल करना चाहते तो फुल ट्रांजेक्शन जो है वो सब कुछ की सर्विस जो है यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है। सो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लाइक कोई भी अगर इस प्लेटफॉर्म में आते तो कैसे कोई भी अनलिस्टेड शेयर बाय कर सकते। तो चलिए हम इनके मेन पेज पे चलते। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मानो मैं ओयो जो है उसकी शेयर बाय करना चाहती हूँ, तो उसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वांटिटी पूछेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे आप 1 क्वांटिटी खरीदना चाहती हूँ तो मैं 1 सिलेक्ट करूँगी एंड उसके बाद टर्म्स कंडीशंस पे टिक कर देना है। देन उसके बाद आपको प्राइस दिखाएगा। तो यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन फीस भी आपको देना पड़ता है, लेकिन अभी प्रमोशनल ऑफर चल रहा है जिस वजह से कोई भी ट्रांजेक्शन प्राइस नहीं, आप देख सकते हो 0 है वो। सिर्फ आपको जो शेयर की प्राइस है वही देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, आप देख सकते हो 85 रुपीज़। तो उसके बाद आपको प्रोसीड अगर आप करोगे ना, तो उसके बाद एक आपको पेज ओपन हो जाएगा लाइक जहाँ पे आपको स्कैनर दिखेगा, उस स्कैनर को स्कैन करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो जस्ट फ्यू मिनट्स मैं इसको स्कैन करके अभी पेमेंट करती हूँ। जैसे ही मैं पेमेंट कर लूँगी, यहाँ पे वैसे UPI ID का भी ऑप्शन है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर स्कैन करके भी आप जो है पेमेंट कर सकते हो। तो मैं बस स्कैन करके पेमेंट करूँगी और आप देखोगे यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज जो है वो आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है ये जो प्लेटफॉर्म है आपको बैंक डिटेल्स आपको मांगेगा। तो बैंक डिटेल्स किस लिए मांग रहा है, क्योंकि अगर आप कंपनी जो है जो भी शेयर्स अपने खरीदा है अगर कोई रिफंड वगैरह होता है तो आपको बैंक अकाउंट पे वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस वजह से बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे देना है। तो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे सारा कुछ आप देख सकते हो, बैंक अकाउंट, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम आपको डालना है। तो क्विकली मैं सारे फिल कर लेती हूँ एंड ये अगर आपका करेक्ट होगा तो आपको दिखाई देगा कि बैंक अकाउंट वेरीफाइड है। तो मैं क्विकली ये प्रोसेस कर लेती हूँ एंड देन नीचे ही आप देखोगी कि आपको डीमैट अकाउंट जो है आपका उसकी डिटेल्स आपको मांगेगा। अगर आपका कोई भी किसी के थ्रू आप कर रहे हो तो उसका नेम, वो किसका डीलर है वो, एंड आपका जो डीमैट अकाउंट का ID है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल दिस प्रोसेसेस, आपने सही तरीके से सब कुछ फिल कर लिया, तो आपको यहाँ पे सक्सेस का एक मैसेज पॉपअप होगा, आप देख सकते हो। देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको माई ट्रांजेक्शन में जाना है और जैसे ही आप वहाँ पे जाओगी आप सारी ट्रांजेक्शन डिटेल्स जो है वहाँ पे आप देख सकते हो। मैं ट्रांजैक्शन टैब में आ गई हूँ। यहाँ पे अगर आप लाइक क्लिक करोगी कि शो ट्रांजैक्शन इन डिटेल्स में क्लिक करोगी तो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कुछ स्टेप्स है जो फुलफिल होने हैं तब जाके ये सक्सेसफुल होगा। जैसे आप देख सकते हो जो सेलर है उसने एक्सेप्ट कर लिया है, आप मेरा जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो गया है। 3 स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो और भी बहुत सारी स्टेप्स है। जैसे ही सारे स्टेप धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी जो आपने शेयर खरीदा है वो आपकी डीमैट अकाउंट पे क्रेडिटेड हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको इस इतनी सारी स्टेप्स के बाद और कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये स्टेप्स कंप्लीट होंगे और जैसे ही जो है आपकी शेयर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा आपकी डीमैट अकाउंट पे तो आपको एक डेबिट मैसेज आएगा, आप अपने डीमैट अकाउंट पे जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं एंड दैट इज ऑल। इतनी ईजी स्टेप्स में आप जो है अनलिस्टेड शेयर्स खरीद सकते हो और अपने डीमैट अकाउंट पे आपका वो क्रेडिट हो जाएगा।